सब्सक्राइब कीजिए यासिर कंप्यूटर टिप्स को और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप किसी से चैट करते हैं या आपको कोई मैसेज आता है, मेल आती है और आपको वो मेल इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में आती है तो आपको उसकी समझ नहीं आती, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप उस लैंग्वेज को किस तरह इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये आपके सामने मेरे पास एक व्हाट्सएप पे इंग्लिश मैसेज है, मैं आपको इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं राइट साइड पे एक एरो का निशान आ रहा है, इसको आप जैसे ही टैप करके अपने टेक्स्ट के ऊपर लाएंगे तो ये देखें ये एक ही सेकेंड में उर्दू में ट्रांसलेट हो गया। तो दोस्तों ना सिर्फ आप इसको उर्दू में बल्कि आप इसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, ये एक मेरे पास ये किसी और लैंग्वेज में भी है, चाइनीज़ में भी है, आप इसको भी मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऊपर वाले को भी मैं ट्रांसलेट करके देता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना प्ले स्टोर ओपन करें, यहाँ पे आप सर्च करें हाई ट्रांसलेटर। जैसे ही दोस्तों आप हाई ट्रांसलेटर लेके सर्च करेंगे आपके सामने ये हाई ट्रांसलेटर व्हाट्सएप ट्रांसलेट ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये दोस्तों फन एंड हाई टूल कंपनी की ये बनाई हुई डेवलप की गई एप्लीकेशन है, आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। 100,000 लोगों ने इसको इंस्टॉल किया, 4.5 की इसकी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपके पास ये बटन ऑफ होगा, आपने इसको ऑन करना है और यहाँ पे योर लैंग्वेज में आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हमारी लैंग्वेज जबकि उर्दू है, हम उर्दू सेलेक्ट करेंगे, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद योर फ्रेंड लैंग्वेज कि आपके दोस्त की लैंग्वेज कौन सी है, आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप उसे इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस बटन को भी ऑन कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इनको ऑन करेंगे आपको ये साइड पे एरो का निशान आ जाएगा। अभी हम व्हाट्सएप में चलते हैं और व्हाट्सएप में जाने के बाद ये अभी हम आपको मैं एक मैसेज टाइप करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे उर्दू में मैसेज टाइप करेंगे जैसा कि क्या हाल है। अभी आपने ये उस बंदे को इंग्लिश में मैसेज भेजना है तो आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके अपने टेक्स्ट पे ला कर छोड़ेंगे तो ये देखें दोस्तों एक ही सेकंड में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद आप इसको मैसेज सेंड कर दें तो ये उसको मैसेज सेंड हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें। तो दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।